हेलो फ्रेंड्स, यूं तो हम सब जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन कई बार मेहनत करते करते भी हम थक जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और स्पेशली विद्यार्थी जीवन में तो ये होता ही रहता है। उस समय हमें कुछ प्रेरणादायी विचारों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे अंदर आग भर देते हैं, हमारे अंदर जुनून पैदा कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कुछ मोटिवेशनल कोर्स स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें सुनकर आपके अंदर भी बहुत मोटिवेशन पैदा हो जाएगा और अपने लक्ष्य की ओर आप भागने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। ना कभी रुकें, ना कभी भागें, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है शिक्षा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए हो। ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमारे जीवन के अंत तक भी हमें मिलता रहता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पल पर निर्भर होता है, इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर काम करते रहो। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे, परंतु दिखाई बहुत दूर से भी देता है। समस्या को पहली बार में सामना करने से कभी मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से शुरू हुआ था। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। विद्यार्थी को हमेशा जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठने से वह इतना सारा टाइम बचा लेगा जिससे वह अपने कॉम्पिटिटर को बहुत ही आसानी से हरा देगा। जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी काल में बाकी चीज़ों की बजाय अपनी शिक्षा पर ध्यान देते हैं, उस पर बाद में पूरी दुनिया ध्यान देती है। एक विद्यार्थी को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन आराम का नहीं, मेहनत से विद्या प्राप्त करने का समय होता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचती हूँ, क्योंकि यही चीज आपका चरित्र निर्धारित करती है। अगर आप वह नहीं कर रहे जो आपको पसंद है, तो इसका मतलब है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए ना तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत है और ना ही किसी के सिफारिश की ज़रूरत है। परफेक्ट परिस्थिति का इंतज़ार मत करो। आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दो। सफलता इंतज़ार से नहीं बल्कि काम करने से मिलेगी। कभी कभी आपकी सफलता की राह में सिर्फ एक व्यक्ति बाधक होता है, और वह होता है जिसे शीशे में आप हर रोज देखते हैं। सफलता मुझे घमंड में चूर ना करे और असफलता मुझ में हीन भावना ना भरे, ऐसी श्रेष्ठता मैं पाना चाहता हूँ।
किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। आज दुनिया में लोग परिस्थिति बदलने में लगे हैं, पर जब आपने मनस्थिति बदल ली तो परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी। सफल होने के लिए लोगों का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए समय नहीं है। कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने के लग जाते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति प्लान के जरिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी हरा सकता है। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। अपने लक्ष्य को कभी किसी को मत कहें, उन्हें आपके परिणाम दिखाएं। अगर आपको अपने विद्यार्थी जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या यह सही काम है या सरल काम है। 3 चीजें बदलो: बहानों को अपनी कोशिशों में, आलस को निश्चय में, और समस्या को मौकों में। परिवर्तन एक चीज है जो आपको सबसे जल्दी आगे ले जा सकती है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अपने आप को बेहतर बनाने में व्यस्त रखो, क्योंकि आपके पास किसी की आलोचना करने का समय नहीं है। अगर आपको सफल होना है, वह आपको विद्यार्थी जीवन में हो या तो फिर अपने जीवन में हो, सिर्फ 2 शब्द जान लीजिए, वह है अभी। जो काम करना है अभी करना है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना मत भूलें, क्योंकि यह वही चीज है जिसे आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अपने आप को कमजोर मानना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मोटिवेशन भरने वाली कोट्स। अगर आपको ये कोट्स अच्छी लगी हैं और इन्होंने आपके अंदर कुछ जोश भर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।